बहुत स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे कुछ बाल वाले जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सबके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्मली आपको क्या ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, हम बाल वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि ये होते क्या है। तो देखिए, बार मतलब क्या होगा, जैसे अगर पॉइंट फाइव पे अगर बार लगा हुआ है, ठीक है, पॉइंट फाइव पे अगर बार लगा हुआ है इस पे, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि ये नंबर कितनी बार इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है। इस तरीके से ये नंबर क्या है, इस तरीके से इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से जो नंबर होता है रिपीट होता है बार बार। अगर ये 37 पे लिखा है, 37 पे लिखा हुआ बार, तो इसका मतलब ये जो 37 है ये बार बार आपका क्या होगा, रिपीट होगा, यानी रिपीटेड है, यानी 37 37 37 37। अच्छा, लेकिन अब देखते हैं कि इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। आता है एग्जाम में कि आप इसको भिन्न के रूप में बदलिए, यानी भिन्न के रूप में लिखिए। तो भिन्न के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से लिखिएगा कि आपका जो पॉइंट है, ठीक है ना, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। जो पॉइंट है उससे कोई मतलब नहीं है, सिंपल जो नंबर है आप सिंपल नंबर लिख दीजिए अपान, और जितने नंबर पे बार होता है उतना बार हम क्या लिखते हैं, नौ लिखते हैं। मतलब दो नंबर पे बार है यानी दो नौ चाहिए, तीन नंबर पे बार है इसका मतलब तीन नौ चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी, आपको 37 लिखना है बटे 99 लिख देना, ठीक है। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये जो आपका दसवां के पहले नंबर है ये आपका क्या है, फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, बाकी आप फॉर्म बना लीजिए। 71 है यानी 71 है तो 71 लिख दीजिए, और फिर दो अंक पे क्या है, 12 है तो 2 वाला 9 लिख दीजिए। अब इसको आपको चेंज करने या और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपको मान लीजिए आंसर नहीं मैच कर रहा है तो इसका बड़ा करके इसको जोड़ के आप मैच करवा लीजिए, वो भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, तो चैनल को जरूर शेयर करते रहिए दोस्तों में। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे, तो टोटल पहले क्या करते हैं, पूरे नंबर को लिखते हैं, पूरे नंबर को आप लिख लीजिए। कितने नंबर पे बार है, केवल एक नंबर पे बार है, इसलिए एक बार आपको नौ लिखना है। जितने नंबर पे बार नहीं होता है उतना बार जीरो लिखना है, दो नंबर पे बार नहीं है उतना बार आप क्या लिख दीजिए, जीरो लिख दीजिए। अगला स्टेप क्या हो कि जिस नंबर पे बार होता है, ठीक है ना, उसको छोड़ के जिस नंबर पे बार नहीं होता है उसको ऊपर से घटाया भी जाता है। मतलब क्या करना है, पूरे नंबर को लिखिए, एक नंबर पे बार है तो एक नौ लिखिए, दो नंबर पे बार नहीं है तो दोबारा आप जीरो लिख दीजिए। लिखने के बाद से आपको ये करना है कि जो दो नंबर पे बार नहीं है उसको घटाना नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे कि घटा लीजिए तो हो जाएगा 113/900, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। यहाँ आइए, सेम यही क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से है, तो इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बट ये देखिए, अगर इस तरीके के क्वेश्चन को दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले बार में चेंज करेंगे, तो इसको हम 8 पे बार लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब 8 पे बार आप लगा के लिखेंगे तो क्या होगा, इसको 8 बटे आप क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे, 8 बटे 9 लिखेंगे, क्योंकि ये जो नंबर एक अंक पे बार है तो एक अंक आप लिख सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिए कि कभी भी अगर 9 पे बार हो, कभी भी आपके सामने 9 पे बार हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। इसका क्या वैल्यू होता है, 1 होता है। क्यों, आप देखिए 9 को हम 9 बटे 9 लिखेंगे तो आपका जो कटेगा वो कटने में कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से नॉर्मली अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे। चलिए, अब इसके हम जोड़ और घटाने को देख लेते हैं, कैसे इसके हम जोड़ और घटाने को करेंगे, ठीक है ना। आगे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखते रहिए और जरूर मजा आएगा, जरूर आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, एग्जाम में आपको बहुत फायदा करेगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे हमको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, ये एक सब्ट्रैक्ट करना है, ये ऐड करना है, तो
आप इसको देख लीजिए अच्छे से। तो देखिए अगर आपको जोड़ना है तो आप इस तरह के क्वेश्चन में क्या कीजिए, ज़्यादा लंबा प्रोसेस करने का नहीं, दो तरीका है। तो आप इसको क्या करिए, सबसे पहले ये और ये जोड़ लीजिए, मैंने दसमों के पहले वाले अंक को जोड़ेंगे तो पाँच और दो कितना हो जाएगा, सात, दसमलव लगा लीजिए। अब इन दोनों पे बार है तो इन दोनों को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, नौ पे बार लिख लेंगे, अब क्या हो जाएगा, सात दसमलव, इसको हम क्या लिखेंगे, अब ये दसमलव अगर आप चाहें तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप क्या लिखिए, सात बटे, इसको नौ बटे नौ कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, सात ये कटेगा तो एक हो जाएगा, तो ये जो एक आएगा आपका, इस एक को आपको हमको सात पे जोड़ना है, यानी क्या हो जाएगा, आठ, ठीक है। तो अभी हमने इसके पिछले वाले में बताया है, पिछले क्वेश्चन में, कि नौ और नौ जब आपका कटता है तो आपका क्या हो जाता है, एक हो जाता है, नौ के बाद हो तो वो एक होता है, तो सात में जोड़ दिए आठ हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं करना है तो मान लीजिए हम दूसरे तरीके से इसको सिंपल फॉर्मेट में इसको करते हैं, तो इसको आप क्या लिखिए, एक, और इसको क्या लिखेंगे, पाँच बटे नौ, इसको लिखेंगे दो, और इसको लिखेंगे चार बटे नौ। तो आप देखेंगे कि ये जो आपका बार है, बार है, इसको आप जोड़ लीजिए तो हो जाएगा तीन, ठीक है ना, और प्लस आपका देखिए ये हो जाएगा पाँच और धन चार, और बटे आप क्या करिए, नौ नीचे लिखिए। तो इस तरीके से तीन धन ये नौ बटे नौ, यानी आपका क्या आ जाएगा, सीधे सीधे चार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब आपको बार में डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दसवों के पहले वाले आपको अलग आप जोड़ सकते हैं, और जोड़ करके आप इस तरह से इजीली कर सकते हैं। दूसरी चीज इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे आठ और एक कितना हो जाएगा, नौ हो गया। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है, कितना आप देखेंगे कि संतावन पे बार हो जाता है, ठीक है। जो संतावन पे बार होगा ये नौ होगा, इसको लिखेंगे संतावन को नहीं आ रहा, ठीक है, ये सोल्व हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि नौ सही संतावन बटे इसको हम निन्यानवे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को मैच करते रहिएगा, ऑप्शन में जिस तरीके से दिया गया उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे घटाना है तो आप इसको जिस तरह से जोड़ रहे हैं उसी तरीके से आप इसको क्या करिए, घटा लीजिए। घटाने के लिए डायरेक्ट आप घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, पच्चीस में से दस या पंद्रह ये आप लगाएंगे, इसमें से भी इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, दो और दो बाईस में बाहर बचेगा, ठीक है। तो ये पंद्रह सही बाईस बटे कितना हो जाएगा, नहीं जान, आप इसको क्या करेंगे, इस तरीके से इजीली आप कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट घटाएंगे, पच्चीस में से दस घटाएंगे पंद्रह, अड़तीस में से सोलह घटाएंगे बाईस, और बाईस को लिखेंगे बटे निन्यानवे। अगर आप इसको काटना भी चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्यारह दूनी बाईस, ग्यारह नौ निन्यानवे, यानी कि आपका पंद्रह सही दो बटे नौ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि आप काट नहीं सकते, उसको काट के भी कोई दिक्कत नहीं, छोटा करके भी दिखाएंगे, बस आंसर मैच करना चाहिए आपका, जिस तरह से आंसर दिया रहेगा, अगर काट के दिया रहेगा तो काट के आप करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कहेंगे, क्वेश्चन को एक बार दो बार लगाइए, जितने भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा, धन्यवाद।